वर्षाली अभी हमारी ट्रेन ने वर्षाली स्किप किया है। गाइस जो आप देख रहे हैं खेती ये गन्ने की है, गन्ना है ये। पिछली बार भी मैंने दिखाया था अक्टूबर में जब मैं मथुरा जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा एक्सीडेंट हो गया वहाँ और अब 80 दिनों के बाद मैं लौट रहा हूँ फिट होने के बाद। अभी आगे आपको संतरे के खेत दिखाता हूँ। महाराष्ट्र भी काफी हरा भरा हो जाता है बरसात होने से, तो बरसात में आई है हरियाली। गर्मियों में ये सब सूख जाएगा। गाइस आमला रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, स्किप कर चुकी है हमारी ट्रेन। नकली पेड़ लगाए गए हैं आर्टिफिशियल स्टेशन की शोभा बढ़ाने के लिए। ड्राइवर लोग यहाँ
ट्रेन ड्राइवर लोग यहाँ रेस्ट करते हैं, वही लॉबी है ये। हैदराबाद नागपुर रूट में भी एक रेलवे स्टेशन पड़ता है बल्लार शाह, बल्लार शाह को भी ऐसे ही सजाया गया है। ये आवाज़ ब्रेक मारने की आती है गाइस, क्योंकि कर्व गोलाई ज़्यादा है तो ट्रेन को धीरे धीरे निकालने के लिए सावधानीपूर्वक निकालने के लिए इस टाइप से ब्रेक लगाया जाता है ताकि ट्रेन फिसले नहीं। बगल में हमारे एक
से घने जंगल में ड्यूटी करना कितना कठिन है। फूलन खापा पूरा घरों में बना है ये रेलवे स्टेशन जंगल के बीच में, घने जंगल के। कलमेश्वर नागपुर संतरे लेके जाओ, संतरे फेमस है नागपुर। अभी तो बस कलमेश्वर ही आया है भाई, यूट्यूब पे लेके ऐसी खबर आई है। इंटरनेट में हो रहा था वही सिस्टम हो रहा है इसमें। B6 में टॉयलेट बंद है, दोनों पानी रुका हुआ है, आवाज नहीं आ रही। गोंडवाना एक्सप्रेस, हेलो, B6 में 102 जो टॉयलेट जो बंद है, बंद पड़े। हाँ वही रुका हुआ हूँ सर। हाँ तू यहीं पर है भाई, अभी कराते हैं सर। हाँ भैया ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स ग्लव्स पहन लो, कचरा झूठा खाना छू रहे हो। सर आप 2 मिनट इधर आ जाइए। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक भाई, थैंक यू। भैया कहाँ पर होगा ये? नागपुर में। नागपुर में होगा, नागपुर में। ठीक, ये सफाई का काम नागपुर में आ रहे हैं सर, बता देंगे। अगर नहीं होता है नागपुर में हो जाएगा। आपको कैसे पता चला कि यहाँ गंदगी पड़ी है टॉयलेट में? पैसेंजर के थ्रू पता। पैसेंजर के थ्रू। पैसेंजर। ठीक, आपका मोबाइल नंबर पे कॉल की होंगी जो यहाँ लिखे हैं? नहीं, कोई कॉल नहीं गई यहाँ से। यहाँ से नहीं गई, यहाँ से किसी ने कंप्लेंट नहीं की। तो हम तो सवेरे से आपको याद कर रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन आप बताइए चाहिए ना। तो कैसे पता चला किस पैसेंजर के थ्रू फीडबैक ले? तो पैसेंजर का किसी बोगी में खोजने गए थे आपको? क्या सर? किसी बोगी में आपको खोजने गए थे पैसेंजर कि किसी पता चला हो पैसेंजर को? नहीं, मैं खुद आया था B6 में। अच्छा, पूछने। हाँ, B6 में। थैंक यू। आपको क्या है जो फीडबैक मिला साफ करवा रहा हूँ बस इसी तरह से। भैया फीडबैक लेने अगर आप लोग आते रहे तो जो ट्वीट करना नहीं जानते हैं वो लोग या
हाँ, ट्वीट करना तो बहुत लोग नहीं जानते, जो कई लोगों के लिए बहुत कठिन प्रोसेस है। नहीं, तो पैसेंजर की परेशानी को सॉल्व करने के लिए ही है।